लर्न हाउ टू अर्न बिफोर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको ये सीखना है कि पहले कमाते कैसे हैं फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो क्या। क्योंकि आप वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि जहाँ पे बताया जा रहा है यदि आपकी 1 लाख इनकम है तो आप इतना 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 सेव करिए, इन्वेस्ट करिए। जिसके पास इनकम ही नहीं तो वो क्या करे, पहले कमाओ, है ना, पहले अच्छा कमा लो। एक लेवल पर आपके करंट अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए, सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, ताकि आप इमरजेंसी पे उसको निकाल सकें। लेकिन अगर आपको 1 लाख या 1 लाख काफ़ी ठीक है, 50,000 वैसे मिनिमम 50,000 अगर आपके अकाउंट में है तो उससे ऊपर का आप सेव करते रहिए। पहले FD करिए 1 लाख तक, फिर उसके बाद आप थोड़ा 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 पैसा इन्वेस्ट करिए। पर ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क है लेकिन फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11-12% का प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि आपको अगर ज़्यादा लालच आ गई तो वो पैसा डूब भी सकता है और बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करिए और करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये नहीं कि आप पूरा पैसा निकाल कर ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। पूरा इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लीजिए आपके अकाउंट में कितना है, ताकि अगर इमरजेंसी फंस जाए तो आप उसका यूज़ कर सकें। तो पहला सेविंग में एक लिमिटेड अमाउंट रखिए, फिर FD में एक लिमिटेड अमाउंट रखिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। ओके?